अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ वो है पर्पल स्मोकी आई मेकअप ट्यूटोरियल, किस तरह से करना है। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलती रहें। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक करके अपनी फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बिलो में बता दीजिएगा कि आपको कोई आई मेकअप सीखना है, तो इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियो अपलोड की जाएगी बना के। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। पूरी वीडियो तफसील से देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमने यूज़ की है आई क्रीम, ब्राइट सबलाइन की आई क्रीम यूज़ की है। अच्छी तरीके से मैंने इसको लगा लिया है। आप इसको रात को भी लगा सकते हो और मेकअप करने से पहले ज़रूर अप्लाई किया करो। फिर उसके बाद मैंने मैट कंटूर स्टिक यूज़ किया, जो कि गलती से बहुत ज़्यादा लगा दी थी। तो फिर उसके बाद मैंने ब्लेंडर से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है और लाइट किया है। लाइट करने के बाद मैंने यहाँ पर कंसीलर यूज़ किया है, द वन का कंसीलर यूज़ किया है सेकेंड शेड, जो कि बहुत अच्छी तरीके से मेरे डार्क सर्कल्स को कवर कर देता है, छुपा देता है और बहुत अच्छा से एक लुक आ जाता है। इसके बाद मैं कोई सी भी फाउंडेशन यूज़ करूं तो मेरी आईज़ जो होती हैं वो ग्रे नहीं होती, और जो अजीब कलर जो हो जाता है आईज़ का, ब्लैक हो जाती हैं, ग्रे हो जाती हैं, वो चीज़ नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़, आप अपनी आईज़ के जो डार्क सर्कल्स हैं बहुत ज़्यादा हैं मेरी तरह अगर किसी के, तो इसी तरीके से आप लोग अपनी कंसीलर को यूज़ करें, कंटूर को यूज़ करें अच्छी तरीके से, फिर आपकी आईज़ ग्रे नहीं लगेंगी ना ब्लैक लगेंगी। इसके बाद मैंने यूज़ किया है कैरेलॉन टीवी पेंट स्टिक, जिसका जो शेड है वो है FS45। मैंने ये शेड यूज़ किया है, ये मेरे बिल्कुल मतलब फेस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैंने ये अप्लाई करने के बाद फिर मैंने अपने जो ब्रश था जिससे मैं कंसील कर रही थी, कंसीलर लगा रही थी, उससे मैंने अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड किया है। स्प्रेड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट करूँगी अपने आईज़ में, ताकि जो मेरी आईज़ हैं वो अच्छी तरीके से एक लुक दे दें। और आप देख सकते हो आईज़ का लुक बहुत परफेक्ट अच्छा सा आ गया, और आपको ग्रे नहीं लग रही होंगी ना ब्लैक लग रही होंगी, बहुत अच्छी तरीके से ये कवर कर देता है। इसी तरह से आपने अपना मेकअप भी यूज़ करना है। इसके बाद मैंने द वन का फेस पाउडर यूज़ किया है, जो कि बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छा शेप दे देता है। तो देख सकते हो आप कि आप मैंने यूज़ किया उसके बाद कितनी अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर मैंने अच्छा ये फेस पाउडर यूज़ करने के बाद फिर मैंने ये जो शेड्स हैं, चार शेड्स हैं, मैंने यही शेड्स अप्लाई किए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइट मरून कलर यूज़ किया था, लाइट मरून कलर मैंने लगाया है अच्छी तरीके से क्रीज़ के ऊपर, इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर पे अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसका डार्क शेड लगाऊंगी मरून का, थोड़ा सा डार्क शेड लगाने के बाद उसको भी अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया था। अच्छा, तो आपने इसी तरीके से अपनी क्रीज़ को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। अपनी क्रीज़ को अच्छा बनाओगे तो ही आपकी आईज़ का जो लुक होगा वो बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा। इसके बाद मैंने अपनी फिंगर भी इसके अंदर यूज़ की थी। फिंगर यूज़ करने के बाद फिर मैंने इसके अपनी आईज़ के आउटर कॉर्नर पर मैंने ब्लैक शेड लगाया है। तो ब्लैक शेड बहुत लाइट लगाता है, तो मैंने थोड़ा सा और ब्लैक शेड लिया और ब्लैक शेड लगाया। तो आप देख सकते हो इसके बाद जब मैं ब्लैक शेड लगाऊंगी तो कितनी अच्छी तरीके से एक लुक दे देगा। और ये सेफ्रॉन की किट है, आई शेडो किट है, जो कि लोकल मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये अच्छी तरीके से मैं इसको आउटर कॉर्नर पे अपना लगाऊंगी और अच्छी तरीके से स्प्रेड करूंगी। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको जिस तरह से ब्लेंड किया है, आपने भी इसी तरह से ब्लेंड करना है। इसके बाद लिक्विड मैट आई शेडो मैंने द वन की ओरिफ्लेम की यूज़ कर रही हूँ, ये मैं लगाऊँगी अपनी इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर के मिड तक, मीन्स के इनर कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया और मिड में ला के मैंने इसको एंड किया। ठीक है, यहाँ से मैंने लगाया, उसके बाद फिर मैंने जो कंसीलर था मेरा, कंसीलर ब्रश, मैंने उसी की हेल्प से अपना पूरा ये आईज़ बनाई है। अच्छा, आपने इसी तरीके से मिड तक अपने शेडो को रखना है। ठीक है, और ये ज़रूरी होता है कि आप दूसरा शेड अगर अप्लाई करना चाहते हो इस तरीके से कि जो अच्छा लगे शेड, तो ये ज़रूर करना। चाहे कंसीलर यूज़ करो, फाउंडेशन यूज़ करो या आई शेडो मैट लिक्विड, ये
यूज़ करो, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल शेड लगाया था जिसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। थोड़ा सा शेड लगाने के बाद मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लाइट शेड मैंने इसका पहले लगाया था। लाइट शेड लगाने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया था, जो कि डार्क करने के बाद आइज़ एक बहुत अच्छी तरीके से उठ रही। इसके बाद मैंने अपना जो आउटर कॉर्नर था जहाँ पे मैंने ब्लैक शेड लगाया था उसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया था ताकि वो अच्छी तरीके से एक उठ जाए मेरी आईज़। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने फिंगर से भी अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड और बढ़ाऊँगी, जिससे पर्पल शेड बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा था। उसके बाद फिर ब्लैक शेड उस पर लगा तो ब्लैक बिल्कुल छुप गया था, ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था। तो मैंने इसके बाद ब्लैक शेड लगाने के बाद पर्पल शेड को भी डार्क किया, जिससे मेरी आईज़ बहुत अच्छी तरीके से एक शेप दे दें, एक बहुत अच्छी लुक दे दें। तो मैंने यहाँ पे अपना पर्पल शेड अपने फिंगर से ही अच्छी तरीके से लगाया। लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं अपने फिंगर से ही टैप करके ब्लेंड कर देती हूँ। और ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी जो क्रीज थी उसको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया, और हाईलाइट करने के बाद मैंने इस पर जो शेड यूज़ किया है वो थोड़ा सा ऑरेंज और ब्राउनिश कलर को मिक्स करके मैंने ये क्रीज अपनी क्रिएट की है, ताकि एक बहुत अच्छी लुक दे दें। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने जो आप कोई सी भी पैलेट यूज़ करो, कोई सी भी पैलेट यूज़ कर लो, आपका ब्लैक शेड ज़रूर गिरेगा। ब्लैक या कोई भी शेड होता है वो ज़रूर गिरता है। तो मैंने यहाँ पे वेट टिश्यू से अपना अच्छी तरीके से अपनी नीचे वाली आइज़ को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे फाउंडेशन ही अप्लाई कर दी डायरेक्टली। और यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद ब्रश की मदद से फिर मैंने ब्लेंडर लिया, अपना ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे मैंने अच्छी तरीके से अपनी आइज़ को कवर किया और अच्छी तरीके से ब्लेंड किया। अच्छा, ये जो शेड है, ये जो किट है, सॉरी आई शुड किट, ये लोकल मार्केट से आपको मिल जाएगी। सैफ्रॉन की किट है और इसका भी कलर बहुत अच्छा है। अगर बाहर जाओ आप लेने के लिए, ये कोई सी भी किट लेने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ है पिगमेंट चेक करना कि पिगमेंट उसकी बहुत अच्छी हो। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे डोडो गर्ल का हाइलाइटर लगाया था। डोडो गर्ल का हाइलाइटर अच्छी तरीके से लगाने के बाद जो मैंने गोल्डन शेड लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्का सा मरून और ब्राउन कलर को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने उसका नीचे से शेप दिया है आईज़ को, कि अच्छी तरीके से वो परमानेंट हो जाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दूसरे ब्रश के अंदर पर्पल शेड लूँगी और उसको इनर कॉर्नर, जो नीचे की मेरा आईज़ की इनर कॉर्नर है, मैं वहाँ पर अच्छी तरीके से लगाऊँगी। और लगाने के बाद जब मुझे एक शेप दे दिया, मतलब एक शेड मिल गया कि हाँ ये बहुत अच्छा कलर इसने दे दिया है, इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर भी लगाऊंगी अपने आउटर कॉर्नर पे। आउटर कॉर्नर पे अच्छी तरीके से ब्लैक कलर लगाते हुए थोड़ा पर्पल के अंदर मिक्स कर दूंगी, ताकि एक अच्छा सा एक लुक आ जाए आइस का। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मिस रोज़ का आईब्रो पेंसिल यूज़ किया है, जो कि बहुत लाइट, आपने हाथ रख के अपने आईब्रोज़ को इसी तरीके से बनाना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने सेट कर ली, उसके बाद फिर मैं पुली की मदद से अपने एक तो हेयर्स को भी सेट कर रही हूँ, और साथ में ये जो मैंने पेंसिल लगाई थी, इस पेंसिल के कलर को अच्छी तरीके से सेट कर रही हूँ, ताकि फेक ना लगे लैशेस, सॉरी आईब्रोज़। इसके बाद फिर मैंने लाइनर यूज़ किया है, द वन का लाइनर। उसको इनर कॉर्नर से अंदर की तरफ से आईज़ के ऊपर की तरफ लेके आई हूँ, और इस तरीके से आपने यूज़ करना है लाइनर को, और अच्छी तरीके से आप लगाओगे इसी तरह तो आपका लाइनर बहुत अच्छा लगेगा। जो लड़कियाँ कहती हैं कि मेरा इनर कॉर्नर से पतला नहीं होता, लाइनर मोटा हो जाता है, तो वो इसी तरीके से अंदर की तरफ से ऊपर लेके जाएंगी तो मोटा नहीं होगा लाइनर। इसके बाद भी मैंने गोरिडानी गोल्ड का मस्कारा यूज़ किया है, साथ में मैंने द वन का बिग लैश मस्कारा भी यूज़ किया था, जिससे लैशेस एक तो खुल भी जाती हैं, लैशेस के जितने भी हेयर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, और बहुत अच्छा एक बिग लैश का दे देते हैं लुक, तो लैशेस भी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा लिया था अपनी लैशेस, फेक लैशेस लगाई थी, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा मस्कारा लगाया था, और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लुक दे दिया है मेरी आईज़ को, कितने अच्छी लग रही हैं ये। और इसी तरीके से आपने अपना मेकअप ये मतलब लगाना है, इसी तरीके से आईज़ बनानी है, तो ही आपकी आईज़ इस तरह से बन सकती हैं और अच्छी सी एक लुक दे सकती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसी तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो आईज़ जो क्रिएट होंगी वो इसी तरीके से हसीन सी प्यारी सी लगेंगी। और जो मैंने लेंस यूज़ किया है, मैंने लेंस यूज़ किया है
जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये वाइट लेंस है, मगर आपकी आइज़ ब्लैक हो, ब्राउन हो या कोई से भी कलर की हो, डिफरेंट शेड देगा आपकी आइज़ के अंदर लगने के बाद। तो आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी आइज लग रही थी, वल्ला बहुत हसीन लग रही थी आइज़, और एक बहुत प्यारा लुक आ रहा था। कैमरे में भी लुक बहुत हसीन आ रहा था, और अगर रियलिटी में देखा जाए तो वैसे भी लुक बहुत प्यारा आ रहा था। ट्राई करना आप लोग भी बहुत सेटिस्फाई होगे इस लुक से, और साथ में जो मेकअप आप करोगे तो आप ख़ुद भी अपनी आईज़ को इसी तरीके से अच्छा कर सकते हो, बना सकते हो। पूरी वीडियो तफसील से देखने का शुक्रिया। अपनी दुआओं में, बहुत सारी दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझसे कनेक्टेड रहिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। लाइक करना ना भूलना, और कमेंट में बताना कि आपने कोई आई मेकअप सीखना है या नहीं, कौन सा मेकअप सीखना है, तो इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बना के अपलोड करूँगी। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।